बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंड कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई सात संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी उन्हां सिखां दीआं साखियां नूं लिख रहे ने जिहड़े कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच पहुंचे ते सतगुरां तों सिख्या प्राप्त कीती। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने कल चार सिखां दी साखी बयान कीती सी। मनसा धार दरगाह तली तख्त तीर ते तीर थोपल इन्हां चारां नूं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वक्ता किस तरह दा होना चाहीदा है उहदे विच किहड़े गुण होने चाहीदे है इस तों इलावा जो स्रोते ने उह किस तरह दे होने चाहीदे ने स्रोतियां दे विच किहड़े किहड़े गुण होने चाहीदे ने इस सारी विथिया नूं सुनाया और इन्हां नूं सिख्या दित्ती। अज एक होर नवीं साखी दा प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी करदे ने। मैं अज दी कथा नूं इत्थों ही प्रारंभ करदा। किशना चन्नू पम्मू पुरी श्री हर गोविंद केर हजूरी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने के किशना चन्नू जादा और इस तों इलावा पम्मू पुरी जादा ये दोवें दे दोवें सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच पहुंचे। कर बंधन को बाक उचारा करो गरीब निवाज उधारा। दोवां ने हथ जोड़ के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच बेनती कीती कहिंदे ने हे सच्चे पातशाह हे गरीब नवाज साडा उधार करो साडा कल्याण करो। श्री मुख ते उपदेश बखाना कल मैं नाम जहाज महाना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने मुख तो वचन कीता कहिंदे ने कि कलयुग दे विच इस संसार सागर तो तरन दे वास्ते जिहड़ा नाम है ना वह मानो के जहाज बनिया होया। शब्द पठन की जो अभ्यास चढ़ो जहाज नाम सुख रास। नाम दा जाप करो गुरबाणी दे शब्दां नूं पढ़ो उन्हां शब्दां दा अभ्यास करो ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि इस नाम रूपी बने हुए जहाज दे विच इस तरह सुखां दी रास नूं लै के सवार हो जावो चढ़ जाओ। सुन कर दोनों बाहुर उचारे एक सिख पढ़न श्रवण को तारे। दोवां ने हथ जोड़ के आख्या सतगुरां नूं कहिंदे ने कि सच्चे पातशाह कई कई ऐसे सिख ने जिहड़े गुरबाणी नूं पढ़दे ने फिर उन्हां शब्दां दे अनुसार अपने जीवन नूं ढाल के मानो के विषयां विकारां नूं छड्ड देंदे ने। कहिंदे ने खोटे कर्म त्याग कर देत एक पढ़ कर धारण कर लेत। कई कई ऐसे ने जिहड़े मानो के गुरबाणी नूं पढ़ के उहदे तों सिख्या लै के
जिहड़े खोटे काम ने उन्हां सारयां नूं छड्ड देंदे ने, पर कई कई ऐसे भी ने जिहड़े मानो के पढ़ के सगों उल्टा मानो के माड़ियां कर्मां नूं धारण कर लैंदे ने। कर परस पर अदक विरोध पाहण रेख ना त्याग क्रोध। जेडे मानो के खोटे कर्मां नूं धारण करदे ने उहनां नूं अपना लैंदे ने, ओ परस्पर एक दूजे दे नाल विरोध करदे ने। पाहण रेख ना त्याग क्रोध, भाव के पत्थर दी रेखा दे वांगू क्रोध नूं नहीं त्यागदे नहीं छड्डदे। और हंकार तरें हम बड़े काम लोभ कर दम मन गड्डे। वो अपने मन दे विच इस तरह का हंकार धारण करते ने कि असी वड्डे हाँ, काम लोभ कर दम मन गड्डे, भाव के काम ते क्रोध दे चिकड़ दे विच उन्हां दा मन फसिया रहिंदा। तिन को पद प्राप्त होए कैसे करुणा करो सुनावो तैसे। दोवां ने बेनती कीती है कि सच्चे पातशाह ऐसिआं मनुखां दा जिहड़ा हंकार है उह कदों दूर होवेगा, इन्हां नूं मानो कि उच्ची पदवी दी प्राप्ति कदों होवेगी, करो सुनावण सच्चे पातशाह किरपा करके उपदेश दिओ। सुन सीरी मुख ते बाके उचारा करे शब्द सब हुण उधारा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता कि जिहड़ा शब्द है ना वह मानो के सारयां दा उधार करदा है, सारयां नूं पार लाउंदा है। कहिंदे ने समय पाए कर दे कल्याणे पढ़बो सुनबो शब्द जो ठाने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि जिहड़ा भी गुरबाणी दे शब्दां नूं पढ़दा है या गुरबाणी दे शब्दां नूं सुणदा है, समां पा के सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि जरूर ही गुरबाणी उहनां दा कल्याण करदी। एक नर ज्ञान बाद जे होए तिन की श्रेह करे नहीं कोए। इस तो इलावा सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि एक जिहड़े मनुख ने ना ओ मानो के बद ज्ञान हुंदे ने, जिहड़े बद ज्ञान मनुख हुंदे ने उहनां दी मानो के श्रेह कल्याण कोई भी दुनिया दे विच कर नहीं सकदा। किहड़े मानो के बद ज्ञान मनुख हुंदे ने उहनां दा जिक्र कवि जी अगलियां सत्रां दे विच करनगे। सुणै शब्द जे नारे अज्ञानी तिन के कल मल होवै हानी। सतगुरु जी कहिंदे ने जिहड़े मनुख नूं ज्ञान नहीं है, जिहड़ा मनुख अज्ञानी है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि अज्ञानी मनुख भी मानो के जेकर गुरबाणी दे शब्दां नूं सुन लवे ते उहदे भी मानो के वड्डे दे वड्डे पाप खत्म हो सकदे ने। जग आसा को पाए अगारे अब आसै लह ज्ञान सुखारे। जेकर कोई अज्ञानी मनुख कहिंदे ने कि गुरबाणी दे शब्दां नूं सुनेगा ते उहदे पाप ते दूर होणगे ही होणगे, इस तों इलावा उहदे मन दे विच जग्यासा धारण होवेगी। जदों जग्यासा पैदा होवेगी ते फिर उह अभ्यास करेगा, जदों अभ्यास करेगा ते फिर मानो कि अपने आप ज्ञान मिल जाएगा, ते जदों ज्ञान मिल जाएगा फिर उह अज्ञानी भी ज्ञानी दे रूप दे विच तब्दील हो जाएगा। भगतन की दिड़ भगती होए ज्ञानी ज्ञान सो गाडो जोए। जेकर कोई भगत मानो के इस गुरबाणी दे अभ्यास नूं करेगा ते ओ मानो के भगती दे मार्ग दे विच दृढ़ता फड़ जाएगा, पक्याई फड़ जाएगा। इस तों इलावा जे कोई ज्ञानी मानो के इस गुरबाणी दे शब्दां दा अभ्यास करेगा ते ओ मानो के गाढ़े ज्ञान दे विच चलिया जावेगा। जो नर पढ़ै मान के कारण दुर दुर करै समूह बेकारन। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इन्हां सत्रां दे विच वध ज्ञान दे जिहड़े मनुख ने ना जिन्हां नूं किसे भी तरीके दे नाल प्राप्ति नहीं हुंदी उहनां दा जिक्र करदे ने।
कहिंदे ने जो नर पढ़े मान के कारण, जेड़े गुरबाणी नूं पढ़दे ने कि साडा मान होवे, साडा सत्कार होवे, साडी प्रतिष्ठा होवे। दुर दुर करें समूह विकारण, विखावे मात्र ओ मानो के विकारां तों दुर दुर करदे ने कि माड़े ने ए माड़े। निश्चा नहीं ज्ञान को पावे, सब में ज्ञानी नाम कहावे। ऐसा जड़ा मनुख हुंदा है, सतगुरु जी कहिंदे ने कि उहदा ज्ञान दे विच रता भी कोई निश्चा नहीं हुंदा, पर मानो के लोकां दे विच इस तरह दीआं गल्लां कर करके वह अपने आप नूं ज्ञानी कहाउंदा है। हंकारी सत संग ना करै, बड़े आई धन हित सब तरै। जिहड़ा हंकारी मनुख है वह मानो के कदे भी सत्संग कर नहीं सकदा, जेकर करदा भी होवेगा ते उहदा विखावे मात्र सत्संग कीता होवेगा। वड्याई धन हित सब तरै, सतगुरु जी कहिंदे ने कि वड्याई दे वास्ते, धन दे हित दे वास्ते जेकर उह दिखावे मात्र करदा होवेगा ते प्या करे, पर दरअसल असल रूप दे विच जिहड़ा हंकारी मनुख है उह कदे सत्संग नहीं कर सकदा। तिस को प्राप्त होए न ज्ञान, किम दरगाह पाए सो मान। ते जिहड़ा सत्संग नहीं करदा उहनूं फिर ज्ञान दी प्राप्ति ते कदे हो ही नहीं सकदी। इस करके सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी सिक्ख्या दे रहे ने कि जेकर ज्ञान दी प्राप्ति नहीं हुंदी, सत्संग कीता नहीं जांदा, ते दरगाह दे विच दसो कि किस तरह मान मिलेगा, किस तरह शोभा मिलेगी। श्री अमृत सर जिसने जाना, मग न लह तो बूझ पयाना। हुण सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी इस तरह की सिक्ख्या दे रहे ने कि जिहड़े वध ज्ञान वाले मनुख ने ना, वह किसी भी तरीके दे नाल पार नहीं लग सकते, पर अज्ञानी होवे, अनपढ़ होवे, ना समझ होवे, अनजाण होवे, वह किसी ना किसी तरीके दे नाल पार लग सकते ने। अगे सतगुरु जी होर भी प्रमाण देंदे ने। सतगुरां ने आख्या श्री अमृतसर जिसने जाना, जिहड़े मनुख ने श्री अमृतसर जाना होवे, मग ना लहै तो बूझ पयाने। जे रस्ते नूं नहीं जानदा, जाना है अमृतसर ते फिर किसे तो पुछ लेगा, ते पुछ के फिर रस्ता वो चलिया जाएगा। अज्ञानी पिया इशनाने, तिसको संगत मिली महाने। जड़ा अज्ञानी मनुख है जिन्हों ज्ञान नहीं है, वह भी मानो के संगत दे नाल मिलके अमृतसर पहुंच सकता है, जाके इशनान कर सकता है। आए सुधा सर करन शनान, मिले आवत तिन संग या जान। जदों कोई सुधा सर दे अमृतसर दे दर्शन करन दे वास्ते, सरोवर दे विच इशनान करन दे वास्ते आउंदा है, ते उन्हां दे नाल बहुत सारे ऐसे अनजान मनुख भी नाल मिलके पहुंच जांदे। तिम जगिया सी पहुंचे आए, मजन करे आनंद को पाए। इसे तरीके दे नाल जिहड़े जगियासी ने ओह भी पहुंच जांदे ने, मजन करदे ने, इशनान करदे ने ते आनंद पाउंदे ने। जो ज्ञानी मग जानत आछे, आन पहुचत जब चित बांछे। जो ज्ञानी मनुख है उस नूं रस्ते दा पता है, उहनूं किसे तों पुछण दी लोड़ नहीं है, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰੰਤ ਮਗ ਜਾਨ ਨਿਹਾਰੋ, ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਮ ਪਾਰਦੈ ਮਝਾਰੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਮ ਪਾਰਦੈ ਮਝਾਰੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਭਰਮ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ। ਉਲਟੋ ਜਾਤ ਸੁਧਾ ਸਰ ਮਗਤੇ, ਸੁਣੈ ਅਪਰ ਤੇ ਕਹੇ ਨਾ ਲਗਤੇ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਧਾ ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ
कि भाई सज्जना किथे जा रहे हैं, उन्हें जवाब देना है मैं अमृतसर जा रहा। वह अगों आखेगा कि तू तो फिर दूसरे रस्ते से जा रहा है, इस दिशा के अमृतसर नहीं हुंदा, पर अगों वो आखे कदे भी नहीं लगेगा। और हंकार के मैं मग जानो, ओदे मन दे विच हंकार दृढ़ता दे नाल बजा होवेगा, मैं मग जानो, मैनू चंगे तरीके दे नाल पता है कि किधर नू जाइए ते रस्ते दे विच अमृतसर आउंदा। भरम पायो और नहीं पछाने, वो इस गल नू नहीं समझदा कि मैनू दिशा दा भरम लग गया, मैनू दिशा ने भरमा दिता है। किसे दे भी आख्या ओदे आखे नहीं लगदा, वो कहिंदा मैनू पता है मैं किथे जा रहा। तिम संतन ते पूछत नाही, मैं सब पठियो लखै मन माही। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने इसे तरीके दे नाल जिहड़े वध ज्ञान दे मनुख हुंदे ने ना, वो संतां तों कदे भी कुछ नहीं पुछदे, क्योंकि मैं सब पठियो लखै मन माही, वो अपने मन दे विच यही समझदे ने कि मैं सारा कुछ जानदा हाँ, मैं सब कुछ पढ़िया होया। नहीं सतसंग करे मन मानी, सो कब होए ना ब्रह्म ज्ञानी। ऐसे जेड़े मानी मनुख ने वह कदे भी सत्संग नहीं करते, संतां दे कोलों नहीं पुछदे, ते सतगुरु जी कहिंदे ने सो कब होए ना ब्रह्म ज्ञानी। ऐसे जेड़े मनुख ने ना वह कदे भी ब्रह्म ज्ञानी हो ही नहीं सकते। श्री गुर कहियो सबण सिख सुनियो, शरदा तर नमरी होए मनियो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दिता, सारिया ने सतगुरां दे उपदेश नूं सुनिया, ते शरदा नूं तारण करके ते निम्रता नूं तारण करके सारिया ने मनिया। इस साखी की समाप्ति करके कवि जी हुण नवी साखी का प्रारंभ करते ने। छोटियां छोटियां कवि जी सिखां दियां साखियां बयान कर रहे हैं। तिंगण मधु दो तिखान, करन कार मैं बहुत सुजान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि तिंगण ते मधु दोवे तरखान सन, बहुत वधिया उच्च कोटी दे कारीगर सन। रह गुरु हर गोविंद तीरे, नित लंगर की लकड़ी चीरे। ये दोवें सतगुरु हर गोविंद सच्चे पातशाह जी दे कोल रहिंदे सन, ते रोज ही मानो के लंगर दे वास्ते जिहड़ा बालन है ना उस नूं चीर के वधिया तैयार करदे सन। मंजे बहुत चौंकियां करें, सतगुर के घर मैं सो तरें। इस तों इलावा बड़े वधिया मंजे ते बहुत वधिया लकड़ दी जिहड़ी चौंकियां ने ओह भी बणाउंदे सन, ते सतगुरु दे घर दे विच पाव के गुरु घर दे विच रखदे सन। अपर सिख के कारज होए, करके प्रेम बनावें सोए। इस तों इलावा गुरु घर तों इलावा जे होर भी किसे सिख दा कारज होवे ते ओह भी मानो के कर देंदे सन प्रेम करके। कथा कीर्तन शब्द उचार, सुने प्रेम ते काज विसार। जेकर कथा हुंदी होवे, जेकर कीर्तन हुंदा होवे, जेकर शब्दां दा पाठ हुंदा होवे, ते इन्हां चीजां नूं मानो के प्रेम दे नाल अपने काम विहार नूं छड के सुनदे सन। पाचल रात होए सावधान, पूरब आप करें इशनान। कवि जी लिखते ने कि पिछली रात पाव के अमृत वेले उठ के सावधान हुंदे सन, सारे तो पहला आप इशनान करदे सन। जल निकास पुन सिख नवावें, निस दिन वाहे गुरु लिव लावें। पहला आप उठ के इशनान करदे सन, फिर होर भी बहुतिया सारिया सिखां नूं मानो के पानी खूह दे विचों कढ कढ के उन्हां दा इशनान करवाउंदे सन। और इस तों इलावा रात ते दिन अपनी जिहड़ी सुरती है ना उहनूं वाहिगुरू नाम दे नाल जोड़ के रखदे सन। अंत समा तिन को जब पयो, प्रथम शनान सुदासर कियो।
ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी की उन्होंने ऐसी कृपा हुई कि मन उन्होंने पता लग गया कि असी कदों मरना है और किवें मरना है। आखिरकार सारी उम्र इस तरह करते रहे। कवि जी लिखते ने कि जो अंत का समा आया उन्होंने पता लग गया कि हुण थोड़ी देर तो बाद असा मर जाना है। फिर उन्होंने सारे तो पहला अमृतसर सरोवर दे विच इशनान किया। जित कपदारथ निकट निहारे निज कर तेरा कण दे सारे। जिन्ने भी उन्हां दे कोल पदार्थ सन वह सारे दे सारे उन्होंने कंगालां दे विच तकसीम कर दिते वंड दिते। वाहे गुरु सिमरत तन छोरा गुर बिन करे उन्हां मन किस योरा। जिंदगी भर कदे भी उन्होंने मानो के सतगुरां तो बिना होर किसे भी पासे मन नूं जान नहीं दिता। वाहिगुरु नाम जपदिया जपदिया उन्होंने अपने शरीरां नूं छड़ दिता। सिख चिखा पर जब ले गए श्री हर गोविंद पहुंचत पाए। गुरु घर दे विच जिहड़े सिख रहिंदे सन उन्होंने मानो के उन्हां दीआं लोथां नूं चुकिया ते जाके चिखा दे उत्ते रख दिता। जदों साड़न लगे इन्ने चिर नूं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी उत्थे पहुंच गए। दोनों को करते सस्कारा पीछे गुरु प्रसंग उचारा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपने हस्त कमलां दे नाल दाह दिता, उन्हां नूं अग्नि दिती ते उन्हां दे शरीरां दा संस्कार कीता। संस्कार करन तों बाद सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने फिर उन्हां दोवां दा प्रसंग सुनाया। ए नल नील होते अवतार करी बिन इन्हों एक बार। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने सिखां सेवकां नूं दसदे ने, कहिंदे ने तुसीं जाणदे हो कि इह दोवें कौण सन? ढिंगण ते मद्दू सिखां ने हथ जोड़ के अर्ज कीते, सच्चे पातशाह नहीं। सतगुरु जी कहिंदे ने इह नल ते नील दो सके भरा सन जिन्हां दा इतिहास दे विच त्रेते युग दा जिक्र आउंदा है। भगवान रामचंद्र जी दे वेले इह होए ने। रामायण दे विच बहुत सारा इन्हां दा हाल आउंदा है। कई के इतिहासकार इह कहिंदे ने कि जिहड़ा समुंदर दे उत्ते पुल बन्निया सी उह वी इन्हां ने बन्निया सी, उह इक बहुत लंबी घटना है कि किवें बन्निया सी, मैं उस पासे नहीं जाणा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने इह नल ते नील सन दोवें दे दोवें जिन्हां ने मानो कि इत्थे अवतार नूं धारण कीता सी। करी बिना इन्हों एक बार, सतगुरु जी कहिंदे ने कि मेरे कोल जदों मैं रामचंद्र जी दे रूप दे विसां इन्हां दोवां ने एक बेनती कीती सी, एक अर्ज कीती सी। हम को भगत दे ब्रह्म ज्ञान होवै लीन आनंद महान। सतगुरु जी कहिंदे ने इन्हां ने बेनती कीती सी कि सानू भगती दिओ और सानू ब्रह्म ज्ञान दिओ तां कि मानो कि असीं इस ब्रह्म ज्ञान दे विच ही आनंद लईए और लीन रहीए। तब हमने उचरियो तिस काल पूर कामना करै निहाल। सतगुरु जी कहिंदे ने कि उस वेले असीं इन्हां नूं आख्या सी कि तुहाडे मन दी कामना असीं किसे वेले जरूर पूरी करांगे और तुहानूं निहाल करांगे। अब सतगुर के शब्द कमाए ब्रह्म ज्ञान पे नहीं लखाए। ते कहिंदे ने इस जन्म दे विच इन्हां ने मानो के सतगुरु दे शब्दां दी कमाई कीती है, उन्हां ते चले ने, इस करके इन्हां नूं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होया। पर गुरु जी कहिंदे ने ब्रह्म ज्ञान पे नहीं लखाए, भाव के ब्रह्म ज्ञान होया पर आप नूं नहीं जनाया, किसे नूं पता नहीं लगन दिता कि असीं ब्रह्म ज्ञानी हैं। अब चल पद प्राप्त अब होवा भोग कर्म फल सब को खोवा। ते मानो के अब चल पदवी दी इन्हां नूं प्राप्ति हुई है, भोग कर्म फल ये सारे दे सारे इन्हां दे मिट गए। सुन कर सगरे सिख बिसमाए
गत में ते तुम्हारी लखी ना जाए। जदों सतगुरु ने इस तरह की वार्ता सुनाई सारे दे सारे सुन वाले सिख बहुत ज्यादा हैरान होए। गत में ते तुम्हारी लखी ना जाए, कहिंदे ने हे सच्चे पातशाह तुहाडी गत मित नूं कोई जान नहीं सकदा, क्योंकि गुरु घर दे विच जिन्ने भी सिख रहिंदे सन किसे नूं इस गल दा नहीं सी पता कि तिंगण ते मद्दू ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था नूं प्राप्त ने। इन्हां नूं ब्रह्म ज्ञान मिलिया होया उते सादे मुरादे लगदे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने पावन पवित्र उपदेशां दे विच सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि दरअसल मानो कि ऐसी अवस्था दा मनुख नूं धारनी बनना चाहीदा है कि लोकां नूं पता ही ना लगे। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी प्रमाण भी दिंदे ने कि जिहड़ी मीरां भगतनी होई है मस्ती दे विच गाउंदी सी ते लोकी कहिंदे सन कि मीरां भगतनी है, पर सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि मीरां दा जिहड़ा पति सी ना उह मानो कि गुप्त भगत सी जिहदा किसे नूं पता ही कोई नहीं सी। मेरा सिर्फ सारी गल कहण तों पावे है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि मानो ये ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था नूं प्राप्त सन पर कदे इन्हां ने शो नहीं होण दित्ता, कदे इन्हां ने जाहर नहीं होण दित्ता कि साडे विच किन्नी समर्था है, असीं कित्थों तक पहुंचे होए। इस गल दा सिर्फ सतगुरु हरगोबिंद नूं पता सी, इस करके मानो कि सतगुरां ने अपने हत्थां दे नाल उन्हां दा आण के संस्कार किया। जदों सारी गल सुनाई ते फिर मानो कि सारे सिख हैरान रह गए। जाए न जाने महमा सगरी, तीन लोक में महायो जगरी। सिख हाथ जोड़ के कहिंदे ने कि सच्चे पातशाह तुहाडी सारी महिमा नूं कोई जान नहीं सकदा, तिन्ना लोकां दे विच तुहाडी जिहड़ी महिमा है ना ओह उजागर है, ओह उज्जवल है। इस जगह दे उत्ते कवि जी ने अपने अध्याय दी समाप्ति कीती है, नवे अगले अध्याय दा प्रारंभ करदे ने। होते बैद दोनों बड बनवाली, बनवाली परसराम। सिख साध को रुज हर और निष्काम या नाम। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने के दो वैद सन, एक दा नाम सी बनवाली ते दूसरे दा नाम सी परसराम। केंद्रे के बहुत वड्डे वैद सन, सिखां साधां दे मानो के रोज नूं बीमारी नूं दूर करदे सन, पर उन्हां दे मन दे विच कोई कामना नहीं सी, निष्काम रूप दे विच ओह दवाई देण दी सेवा करदे सन। अवखद निज तन लाए बनावे, गुरु अर्थ रोगीन खुलावे। जिहड़ी औषधि है, जिहड़ी दवाई है, ओह अपने पैसे खर्च करके तैयार करदे सन ते गुरु दे हित दे वास्ते, गुरु दे अर्थ दे वास्ते रोगियां नूं खवांदे सन। पर होयो तिसके घर जाए, अवखद बल ते देत उठाए। मानो के ऐसा रोगी जड़ा कि अपने घरों चल के दवाई लै नहीं सकदा, मंजे दे उत्ते पिया हुंदा सी, उन्हां दी औषधि दे विच, उन्हां दी दवाई दे विच इन्नी बरकत सी, इन्नी ताकत सी कि उहदे घर जा के उहनूं दवाई खवांदे सन ते मानो कि औषधि दे दवाई दे बल दे नाल उहनूं उठा के बिठा देंदे सन। सत गुर शब्द प्रेम ते गावे, अर्थ विचार बहुर कमावे। बनवाली ते परसराम दोवें मानो के सतगुरां दी गुरबाणी दे शब्दां नूं प्रेम दे नाल गाउंदे सन, उन्हां दा अर्थ विचारदे सन ते फिर अर्थ नूं कमाउंदे सन, भाव के उस शब्द दे उत्ते चलदे सन। एक दिन श्री सत गुरु अगारी, कर जोर ते अरदास उचारी। एक दिन दोवां ने सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच आण के हथ जोड़ के बेनती कीती। कहिंदे ने सच्चे पातशाह हम जाना सतगुर शब्द देत कल्याणा। कहिंदे ने हे सच्चे पातशाह सानू इस तरह पता लग्या है कि सतगुरु दा जिहड़ा शब्द है ना उह कल्याण देंदा। साध संग की उपमा पारी, क्यों सतगुर ने इति उचारी। कहिंदे ने कि गुरबाणी दे विच
साध संग दी जिहड़ी उपमा है ना, ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इन्ना बहुता ज्यादा क्यों बयान कीती। श्री मुख ते 300 तब कहें अवखद सब रोगिन को अहें। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस वेले बचन कीता, कहिंदे ने देखो तुसी वैद हो, तुसी दोवें दे दोवें दवाइयां देंदे हो। सतगुरु जी कहिंदे ने अवखद सब रोगण की है, तुहाडे घर दे विच हर एक रोग की जिहड़ी दवाई है ना वो मौजूद है। तुमने घर सब घर मैं राखी, रोगा तोरिया मैं होए कांखी। तुसी हर एक रोग की दवाई अपने घर दे विच तैयार करके रखी हुई है। गुरु जी कहिंदे ने कि जिहड़े रोग तो आतुर ने, जिहड़े रोग दे ग्रसे होए ने, वह दवाई लैण की इच्छा नूं धारण करके तुहाडे कोल आउंदे ने। देख नाटका करें बिचारी, गर्मी सर्दी कफी उदारी। तुसी फिर उस रोगी दी नाड़ी वेखदे हो ते फिर परख करदे हो कि गर्मी दा मादा ज्यादा है या सर्दी दा मादा ज्यादा है या कि कफ है, क्योंकि जिहड़े आयुर्वेद वाले ने वह तीन ही चीजा नूं कारण मनदे ने कि तीन चीजा दे कारण ही मनुख बीमार हुंदा है, या गर्मी दे कारण, या सर्दी दे कारण, ते या कफ दे कारण, जिन्हों आपां बलगम कहने। वो कहिंदे ने कि जे इन्हां तिन्हां चीजां दे विच वाद घाट होवे तां ही मनुख बीमार हुंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने फिर तुसी नाड़ी वेखदे हो, फिर तुसी परख करदे हो कि गर्मी ते नहीं शरीर विच वधी, या सर्दी दा मादा ते ज्यादा नहीं, या कि कफ दा कोई विकार ते नहीं। इन्हां तिन्हां चीजां दे नाड़ी नूं वेख के परख करदे हो। नीके जब पर खो तब देत, बहुरो पथ बताए सुख हेत। गुरु जी कहिंदे ने जदों चंगे तरीके दे नाल तुसी परख करदे हो ते फिर उन्हूं उसे दे मुताबक दवाई देंदे हो, फिर मानो के अनुपान दी विधि भी दस दे हो, फिर मानो के परहेज भी दस दे हो कि केड़ी चीज खानी है केड़ी नहीं खानी। तब तिस कोरज दूर बिदारो, सने सने होए जात सुखारो। फिर दवाई खाण दे नाल उन्हां दी बीमारी दूर हुंदी है, हौली हौली वो सौखे हो जांदे ने, वो राजी हो जांदे ने। धरी होए जे अवखद लाख, रोगी मिले सगल और कांख। पर सतगुरु जी कहिंदे ने जेकर लखां ही दवाइयां एक जगह दे उत्ते रखियां होण, लखां ही जिहड़े रोगी ने ओह मानो के दवाई दी इच्छा नूं धारण करके दवाई दे कोल पहुंच भी जाण, पर कहिंदे ने जेकर वैद दवाई देण वाला मौजूद ना होवे, दसो फिर ओह किवें राजी होणगे। कहिंदे ने बिना वैद ते रोग ना जाई, इह निश्चय जानो समुदाई। बिना वैद तो जिहड़ा रोग है ना ओह मिट नहीं सकदा, क्योंकि ना ते रोगी अपनी नाड़ी नूं परख सकदे ने कि सानूं की रोग है, ते ना ही उन्हां नूं दवाई दा पता है कि केड़ी दवाई केड़े मर्ज दे उत्ते केड़े रोग दे उत्ते कम करदी है। इस करके वैद दा होना लाजमी है, जिहड़ा पहला नाड़ी वेख के रोग दी परख करे ते फिर रोग दी दवाई दवे। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने लखां ही दवाइयां होण, लखां ही रोगी दवाइयां दे कोल मौजूद होण, पर जिन्ना चिर वैद नहीं आउंदा रोग खत्म नहीं हो सकदा। इस गल दे उत्ते तुसीं निश्चा बनो। तिम गुर मुख सिख जो मम प्यारे, देखे प्रथम कवन अद कारे। हुण उन्हां दोवां ने सवाल यह कीता सी कि सच्चे पातशाह साधुआं दे संग दी उपमा इन्नी ज्यादा क्यों बयान कीती है। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो कि इस गल का जिक्र करदे ने कि जो गुरबाणी है वह मानो कि बहुत सारियां औषधियां ने, बड़ियां दवाइयां इकट्ठियां ही उहदे विच मौजूद ने, पर केड़ी दवाई किहदे उत्ते कम करदी है इह साधुआं नूं पता है। इस करके मानो कि गुरबाणी औषधी है, वक्री वक्री किस्म की दवाई है, ते उस दवाई नूं वरतन वाले जिहड़े ने ना वह साधु ने। इस करके साधुआं दे संग दी महिमा गुरु जी ने बयान कीती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अगे समझाउंदे ने, कहिंदे ने तिम गुर मुख सिख जो मम प्यारे। कहिंदे ने हे गुरु दे प्यारिओ, इसे तरीके दे नाल जिहड़े गुरमुख सिख ने, जिहड़े मेरे प्यारे ने, देखें प्रथम कवन अधिकारे। क्योंकि वक्खो वक्खरे अधिकारी मन्ने गए ने, विद्वानां ने अधिकारी तीन प्रकार दे लिखे ने।
कर्म उपासन कैदों ज्ञान तीन तरह के अधिकारी मने गए ने। एक है कर्म और दूसरा है उपासना और तीसरा है ज्ञान। सतगुरु जी कहते ने कर्म उपासन कैदों ज्ञान अधिकारी जस तथा बखान। जिस तरह का कोई अधिकारी होंदा है जेडे साध ने वह मानो कि उस तरीके दे नाल उसनों अधिकारी समझ के उस तरह का ज्ञान देंदे। रहत बताए गुणन को देत सो सिख शीघ्र श्रेह को लेत। ते जेडे ऐसे स्याने वैद ने साध रूपी वह मानो कि गुरबाणी दे विचों फिर ऐसे जेडे अधिकारी ने उन्हां नू वैसा ही उपदेश देंदे ने। जेड़े कर्म दे अधिकारी ने उन्हां नू कर्म दे बारे दसदे ने। जेड़े उपासना दे अधिकारी ने उन्हां नू उपासना दे प्रमाण दे के गुरबाणी दे दस समझाउंदे ने दसदे ने। और जेड़े ज्ञान दे अधिकारी ने उन्हां नू वैसा ही ज्ञान देंदे ने। इस करके रहत बताए गुणन को देत उन्हां नू रहत दसदे ने रहणी दसदे ने ते गुणा नू देंदे ने। यही उन्हां दी औषधि है यही उन्हां दी दवाई है। सो सिख शीघ्र श्रेह को लेत ऐसे जिहड़े सिख ने ना वह बड़ी शीघ्रता दे नाल बड़ी छेती ही मानो के श्रेह नू लै लेंदे ने कल्याण नू प्राप्त कर लेंदे ने। बेने अधिकार जो दे उपदेश रही श्रेह सो लह कलेश। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि बगैर अधिकार तो दिता गया उपदेश है ना वह मानो के कल्याण ते नहीं करता सगों उल्टा कलेश देंदा है। आम आपां इस गल नूं जानदे आ कि जे रोग होर होवे ते दवाई होर दित्ती जावे ते मानो के मौत भी हो सकदी है उल्टी पै सकदी है दित्ती हुई दवाई भी। इसे तरीके दे नाल सतगुरु जी कहंदे ने कि बगैर अधिकारी तो उस तों उल्टा उपदेश दिता गया मानो के कल्याण ते नहीं देंदा सगों कलेश पा देंदा। साध संग की महिमा पारी या ते श्री गुर देव उचारी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वचन किया इसे करके मानो के साध संग की जिहड़ी महिमा है ना उस नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहुता ज्यादा गुरबाणी दे विच बयान किया। इस साखी का इत्थे ही अंत करदे ने नवीं अगली साखी का प्रारंभ करदे ने। हो तो तीर्था एक सिख जोए रहे शाह लश्कर में सोए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि तीर्था ना दा एक सिख सी जड़ा के बादशाह दी सेना दे विच नौकरी करता सी। श्री हर गोविंद सरनी आयो हाथ जोर कर बाक लायो। तीर्था सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणा दी सरण दे विच पहुंचिया हाथ जोड़ के उन्होंने सतगुरां दे चरणा दे विच बेनती कीती। कहिंदा जी लगो रहो निज किरतव्य साला अवसर होत नहीं कि सकाला। कहिंदा सच्चे पातशाह मैं अपनी किरत दे विच काम दे विच हमेशा डटिया रहना हां लगा रहना हां। सच्चे पातशाह किसे वेले मानो कि अवसर ही नहीं मिलता वेल ही नहीं मिलता। के महामरो पी हो उदारा श्री मुख ते उपदेश उचारा। कहिंदा सच्चे पातशाह समय नहीं मिलता सतसंग दा मेरा किस तरह उधार होवेगा मेरा किस तरह कल्याण होवेगा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने फिर उस तीर्थे नूं उपदेश दिता। कहिंदे ने संतन की सेवा नित करिए छादन भोजन ते सुख धरिए। सतगुरु जी कहिंदे ने जे सत्संग नहीं कर सकदा ते कम से कम संतां दी सेवा करिया कर उन्हां नूं लीड़ा कपड़ा दिया कर और जे हो सके ते भोजन छका के खुश करिया कर। देत तेन को कास रोदाना सो नर दुगद करत है पाना। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने प्रमाण दिता कहिंदे ने हे भाई तीर्थिया जिहड़ा मनुख मानो के गऊ नूं घा पठा चारदा है गऊ उस दे बदले दे विच उन्नू दुध देंदी है इस करके वह दुध पी लैंदा है उन्नू सुख मिलदा है। तथा साध की सेवा करै जिम किम तिन प्रसन्नता तरै। इसे तरीके दे नाल
मानो के जेकर गऊ दी सेवा कीती जावे ते गऊ दूध देंदी है, इसे तरीके दे नाल जेकर साधा संतां दी सेवा कीती जावे ते ओ वी मानो के कुछ ना कुछ देंदे ने। इस करके जिम किम तिन प्रसन्नता धरे, जिस तरह भी मानो के साधा दी खुशी लिया कर, प्रसन्नता लिया कर। पंथ सुखेन बताए सो देत, भगत ज्ञान को दृढ़ कर लेत। सतगुरु ने वचन कीता के जे साधा दी सेवा कीती जावे ते मानो के सौखा जरा रस्ता है ना परमेश्वर दी प्राप्ति दा, वो दस देने। भगती ज्ञान की दृढ़ कर लेत ते उन्ना तो मानो के सिख्या नू पाके फिर भगती नू ते ज्ञान नू मनुख दृढ़ कर लेंदा है, उदे विच पक्का हो जांदा है। सुन बूझो के मसंत पछानो, जिसते पिख कर सेवा ठानो। तीर्थे ने हाथ जोड़ के बेनती की, कहिंदा सच्चे पातशाह जिस तरह तुसी उपदेश दे रहे हो मैं इस गल नू मनदा हां, पर सच्चे पातशाह पहला इस गल दा ते पता लगे कि संत कौन है, साध कौन है। कहिंदा जिसते पिख कर सेवा ठानो, पहला ते गल परखनी ही बड़ी औखी है कि केड़ा चंगा महापुरुष है, केड़ा संत है, केड़ा साध है। कहिंदा कि सच्चे पातशाह संतां दी पछाण किवें कर सकदा। तब सत गुर बिद ताहे बताई, एक निप ने अभिलाख उठाई। जदों तीर्थे ने इस तरह का सवाल किया कि सच्चे पातशाह महापुरखां दी परख किवें करां, संतां नूं लभां किवें, क्योंकि ढोंगी बड़े ने, पखंडी बड़े ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने विधि दसी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने मैं तैनूं एक छोटी जी साखी सुनाउणा हां, उस साखी तो तैनूं आपे पता लग जाएगा कि किस तरह साधां दी परख करनी है, किवें चंगा साधु लभना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साखी सुनाउणी शुरू कीती। कहिंदे ने एक निप ने अभिलाख उठाई। सतगुरु जी कहिंदे ने कोई एक बहुत वड्डा राजा सी, उन्हें अपने मन दे विच एक अभिलाखा नू, एक लालसा नू पैदा कीता। किम हेर हंसन को नैन, खग गण को सेवन कर एन। राजे दे मन दे विच लालसा बजी कि मैं अपनी अखां दे नाल हंसा नू वेखां। सुनिया है महापुरखां दे कोलों, पढ़िया है ग्रंथां दे विचों कि जिहड़े असली हंस हुंदे ने ओह मानो के चोगा चुगदे ने सुच्चे मोतियां दा, ओह दुध पींदे ने, ओह पाणी नू नहीं पींदे। सतगुरु जी कहिंदे ने कि उसने, राजे ने अपने मन दे विच विचारधारा बनाई है कि मैं उन्हां असली हंसां नू अपनी अखां दे नाल वेखणा है। फिर राजे ने मानो के इस तरह की परख करन दे वास्ते जिहड़े खग ने, जिहड़े उड्डण वाले पंछी ने, उन्हां दी सेवा करनी शुरू कीती। ब्रेंद चोग सब बिद की पावे, देश बदेशन ते खग आवे। राजे ने बहुत वड्डा प्रबंध कीता पंछियां दी सेवा करन दा। बहुते सारे मानो के तरह तरह दे चोगे ओ विछा दिंदा है, ते फिर बहुते सारे जिहड़े देशां विदेशां तो खग ने, जिहड़े पंछी ने, उड के उहदे पाए हुए चोगे नूं चुणदे ने। चुगे चोग यार जस बिस्तार, मान सरोवर लाग सिधार। पंछी आण के चोगा चुगदे ने, ते फिर जिथे भी वापस चोगा चुके जांदे ने उत्थे जाके राजे दा जस बयान करदे ने कि राजा बड़ा धर्मात्मा पुरख है, ओ पंछियां दी बड़ी सेवा करदा है, बड़ा चोग खिलारदा है। ऐसा ऐसा जस उन्हां ने गुरु जी कहिंदे ने विस्तार कीता, मान सरोवर लाग सिधार है। उन्हां दा कीता होया जिहड़ा जस सी ना, ओह मानो के मान सरोवर दे तक पहुंच गया। विद्वान इस गल नूं मनदे ने कि मान सरोवर ऐसी जगह है जिथे मानो के हंसां दा वासा है, मोतियां सुच्चियां दी उत्थे चोगा चुगदे ने। कहण तों भाव सारी गल दाए है कि मानो हंसां दे कोल वी इह खबर पहुंच गई कि राजा बड़ा धर्मी है, बड़ा धर्मात्मा है, पंछियां दी वी सेवा करदा है, बड़ा सोहणा चोगा खिलारदा है। सुन हंसन सब बिखे बखाना, हम पी चले नरेंद सथाना। बाकी दे पंछियां नू ओ जिहड़े हंस ने उन्हां ने आख्या कि असीं वी तुहाडे नाल चलांगे, जाके राजे दी जगह देखांगे जिथे ओ चोगा खिलारदा।
तेहे और शरदा जाए वधाम जिस ते नित खग चोग चोगाम। हंस बाकी दे पंछियां नू कहिंदे ने कि राजे दे हिरदे दी जिहड़ी शरदा है ना उहदे विच जा के वादा करांगे जिस हित दे वास्ते ओह मानो के पंछियां नू चोगा चगाउंदा। तब हंसन की जोरी आए अपन स्वरूप सुदीन दिखाए। फिर अगले दिन जदों बहुत सारे पंछी चोगा चुगण दे वास्ते पहुंचे ने ते उन्हां दे नाल मानो के एक हंसां दी जोड़ी भी आ गई जिन्हां ने अपने स्वरूप नूं आण के सारिआं नूं विखाया। पिख लोकन तब जाए सुनायो हर खत निप मुकता पै लियायो। लोकां ने वेख के जाके राजे नूं सुनाया कि तू हंसां नूं वेखण दी चाह करदा सैं, वेख अज तेरे चोगे नूं चुगण दे वास्ते हंस भी आए होए ने। ते राजे नूं पता सी कि आम दूसरिआं पंछियां वाला ते चोगा हंस नहीं चुगदे, इस करके राजे ने की कीता हर खत निप मुकता पै लियायो सुच्चे मोतियां दा चोगा ते दुध लै के पहुंचिआ। तारियो अगारी तिन को जाए ताज पानी पैलीनस खाए। जदों उन्हां दे अगे जाके उसने दुध रखिआ ते सुच्चे मोतियां दा चोगा रखिआ, उस वेले कवि जी लिखदे ने कि ओ जिहड़े हंस सी उन्हां ने अपनी चुंज दुध दे विच पाई है, पानी वखरा हो गिआ ते दुध फट गिआ, ढेले वखरे हो गए ते उन्हां ने उस पानी नूं छड्ड दित्ता ते ढेलियां नूं खा लिआ। विद्वान सज्जने इस गल नूं मन्नदे ने कि मन नूं पता नहीं परमेश्वर ने कैसी कुदरत वरताई है कि उन्हां हंसां दी चुंज दे विच पता नहीं की कैमिकल पाया है, जदों ही दुध दे विच पाउंदे ने चुंज नूं दुध फट जांदा है, पानी वखरा हो जांदा है, जिहड़ियां ढेलियां बजदियां ने वखरियां हो जांदियां ने। इसे तरह होया, राजे ने दुध जाके अगे रखिआ, उन्हां ने दुध दे विच अपनियां चुंजां पाईआं, दुध फट गिआ, पानी नूं छड्ड के ते ढेलियां नूं खा गए ओह जिहड़े बजे होए सी। गोल अमोलक मुकता जाल निज अंतर ते दए निकाल। सुच्चे मोतियां दी चोग नहीं चुगी जिहड़े उहने रखे सी, सगों मानो कि उल्टा उन्होंने की कीता, उन्हां ने उगाली कीती ते गोल अमोलक जिहड़े मोती सी ना ओह मानो कि अपने अंदरों कढ के बहुत सारे खिलार दित्ते चोगे दी जगह दित्ते। उड कर गए अपने देश मन आनंद कर लए निरेश। इस तरीके दे नाल फिर उस तों बाद उड के हंस अपने देश दे विच चले गए ने, मन आनंद कर लए निरेश, बड़े आनंद मन दे नाल राजे ने उन्हां मानो के गोल मोतियां नूं चुक लिया। जब जौहरी ते पर खाए सब ने पतन नहीं तिन समताए। राजा मोती लै के जौहरी दे कोल गया जिहड़ा पारखी सी ते जौहरी ने अगों आख्या कि हे राजा ये जिहड़े मोती ने ये मानो कि इन्ने कीमती ने कि तेरा सारा राज भी इन्हां दे बराबर नहीं, तेरा कीमती खजाना भी इन्हां मोतियां दी बराबरी दे विच तुच्छ है, मानो कि इन्ने अमोलक ये लाल ने ये मोती ने। तिम तू सब की सेवा ठान मिले आए जो दे ब्रह्म ज्ञान। हुण भाई तीर्थे नूं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने इसे तरह तू कर सारिआं दी सेवा कर, भावें कोई पखंडी होवे ते भावें सच्चा होवे। सतगुरु जी कहिंदे ने जिवें राजे ने सारिआं पंछियां दी सेवा कीती आखिरकार नतीजा की मिलिआ, फल की मिलिआ कि दरअसल करदिआं करदिआं असली हंस भी उत्थे पहुंच गए, हंसां दे नाल मिलाप भी हो गया, ओहनूं मोती भी मिल गए, ओहनूं हंस वेखण नूं भी मिल गए। इसे तरह कहिंदे ने तिम तूं सब की सेवा ठाण, तू सारिआं दी सेवा करिआ कर, ऐसा समां आवेगा मिलै आए जो दे ब्रह्म ज्ञान, ऐसा भी कोई संत सच्चा आण के तेनूं कदे मिलेगा जिहड़ा तेनूं ब्रह्म ज्ञान दे। पायो आनंद सुने गुर बैन सेवन लगियो संत सुख दैन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि सतगुरां दे बचन सुन के मन दे विच आनंद बज्जा
ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दित्ते होए उपदेश दे द्वारा फिर संतां दी सेवा करन दे विच उह जुट गया। वाहे गुरु सिमरत सुख पावा, अंत काल गुर निकट सदावा। संतां दी सेवा करदा रहा, आखिरकार कोई ऐसा संत मिल गया जिन्हें ब्रह्म दा ज्ञान दिता। वाहिगुरु दे नाम दा जाप करदा रहा उमर भर, अंत काल गुरु निकट सदावा। अंत दे वेले मानो के मर के सतगुरां दे चरणां दे विच तीर्था जा विराजिया। इस तरीके दे नाल मानो के तीर्थे दा उदार होया। अगली साखी दा प्रारंभ करदे ने कवि। मेल बड़ो सिख पुर बुरहान, पाई भगत दास भगवान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बुरहानपुर दे विच बहुत सारे जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे सिख सेना उन्हां दा इकट्ठ सी। भाई भगत दास भगवान एक दा नाम सी, भाई भगवान जिहड़ा के दास सी जिहड़ा के भगत सी। डल्लू भगत छोरा हैरान, श्यामी दास वधावन जान। एक डल्लू भगत सी जड़ा के छुरा गोदा सी, एक इस तो अलावा श्यामी दास सी जड़ा के वधावन गोदा सी। सुंदर आदक सिख अनेक, मिले कीर्तन करें विवेक। इस तो अलावा एक सुंदर सी, ये मानो के बहुत सारे सिख रेंदे सन बुरहानपुर दे विच जड़े के मिलके कीर्तन करदे सन, विवेक धारण करदे सन। सब इकट्ठे दर्शन हित आए, श्री गुर हर गोविंद दरसाए। ये सारे दे सारे मिलके सतगुरां दे चरणां दी शरण दे विच पहुंचे ने। आण के इन्हां ने मानो के सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती। कहिंदे ने हमको सुमत बतावण करिए, भव सागर ते पार उतरिए। कहिंदे ने सच्चे पातशाह कृपा करके सानू श्रेष्ठ बुद्धि वाला वरदान बख्शो ता कि असीं संसार सागर तों पार हो जाईए। तब श्री हर गोबिंद उचारा, धर्म सान एक करो उदारा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता, कहिंदे ने कि तुसीं अपने नगर दे विच सोहणी एक धर्मशाला बनवाओ। वड्डी प्रभात मिलै सब आए, गुरबाणी को सुनै सुनाए। उस धर्मशाला दे विच अमृत वेले आण के बैठिया करो, गुरबाणी पढ़िया करो और गुरबाणी नूं सुनाया करो। ताज हों मैं तारो मन नीवा, इम सत संग करो सदीवा। कहिंदे ने इक गल याद रखियो कि होमे नूं छड के मन नूं नीवा रखियो, इस तरह मानो कि तुसीं हमेशा ही सत्संग करिया करो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस होमे नूं छड्डण दे वास्ते उन्हां नूं इक वार्ता सुनाई, इक साखी सुनाई। कहिंदे ने परी कूप मैं जाए बिलाई, किम पवित्र होए पूछियो जाई। कहिंदे ने कि इक समय किसे खूह दे विच बिल्ली डिग के मर गई, ते जा के पंडित तों पुछिया पिंड वासियां ने कि पंडित जी किस तरह मानो के खोई पवित्र होएगी। पंडित कहो काड मंजारी, बहुर हजार डोल कर वारी। पंडित ने आख्या कि मंजारी नूं पाव के बिल्ली नूं पानी दे विचों कढ के दूर सुट दिओ, ते फिर मानो के हजार डोल पानी दे कढ कढ के बाहर सुट दिओ। होए पवित्र सुन कै नर गयो, कढ़न बिलाई भूलत पयो। पंडित तो सिख्या लै के चला गया मनुख, वह बिल्ली नूं कढ़ना ते भुल गया कि पहला पानी दे विचों बिल्ली कढ़नी है ते फिर डोल पानी दे भर भर के बाहर सुटने ने। कहिंदे ने जल निकास बहु गंध ना गई, पंडित निकट जाए सुध दई। हजार डोल पानी दे भर भर के बाहर सुट दिते, बिल्ली ना कढ़ी। पंडित दे कोल जाके फिर अर्ज कीती कि पंडित जी गंध ना गई, बो ते उसे तरह आउंदी है, पानी ते पवित्र नहीं होया। नहीं पावन सो कूप भयो है, नीर निकारण अधिक कियो है। कहिंदा जी बड़ा पानी कढ़िया, तुसीं हजार आख्या सी, असीं ते उहदे तों वी ज्यादा अगे पानी कढ़िया, पर पावन नहीं पई, खोई पावन नहीं पई, बो उसे तरह आउंदी। सुन पंडित ने पुनो बखानी,
ਕਾਡੋ ਲੱਛ ਡੋਲ ਭਰ ਪਾਣੀ। ਪੰਡਿਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਡੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਦੁਰਗੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਣ ਦੁਰਗੰਧ ਲਖੀ ਜਲ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤ ਪੰਡ ਪਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਡੋਲਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡੋਲਿਆ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਵੈਸੀ ਦੁਰਗੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ? ਦੁਰਗੰਧ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਪੰਡਿਤ ਚੱਲ ਕੂਪ ਨਿਹਾਰ, ਬੀਚ ਪਰੀ ਤਿਮਹੀ ਮੰਝਾਰ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਇਹ ਕਿਆ ਤੁਮ ਕੀਨੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਨੀ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇਗੀ ਬੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਗ ਇਸੈ ਨਿਕਾਸੋ ਨਾਹੀ, ਕਿਮ ਪਾਵਣ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਤਿੰਨ ਜਾਣੋ ਹਮ ਬੋਰੇ ਬੁਰੀ, ਅਣ ਹੋਵਤ ਜੋ ਤਨ ਮੈਂ ਧਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਣ ਹੋਵਤ ਜੋ ਤਨ ਮੈਂ ਧਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਬ ਲਗ ਐਸੈ ਬਿਸਾਰੋ ਨਾਹਿ, ਤਬ ਲਗ ਸੰਸੈ ਮੁਕਤੀ ਮਾਹਿ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਸੰਸਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤਜਬੇ ਹੇਤ, ਕਰੋ ਯਤਨ ਨਿਤ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼, ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਪੰਗਤ, ਜੋ ਬੁਰਹਾਨ ਪੁਰੇ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਹਾਨਪੁਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਿਓ ਆਨੰਦ ਗਏ ਨਿਜ ਧਾਮੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਤ ਪਏ ਸਤਨਾਮੋ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਸੋ ਕੀਨ ਕਮਾਵਣ, ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਪਏ ਤਿਨ ਪਾਵਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਪਾਵਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਤ ਬਿਤਾਈ, ਸੋਈ ਕਰਤ ਸਭ ਪਏ ਜਾਈ। ਜੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਬਿਤਾਈ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਚਿਤ ਮੋਖ ਕੇ ਸਗਰੇ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਸੁਖ ਦਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਧਨ ਸੁਖ ਦਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार, हे संता के सदा संग ने धाराया धार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड कौ मेरी है प्रणाम।